आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं अपने फेस के ऊपर फेस टोनर अप्लाई करूंगी मेकअप स्टार्ट करने से पहले। और अब अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए मैं फेस ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ एल्प्स गुडनेस का यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से ज़रूर चेक कर लेना। अब यहाँ मैं अपने पोर्स को फिल करने के लिए एक प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। ये इनसाइड का प्राइमर है एंड ये बहुत ही अच्छा वाला जेल प्राइमर है, मैट फिनिश देता है आपको प्रॉपर वाली। ये अप्लाई करने के बाद मज़ा ही आ जाता है एंड ये बहुत ही न्यूड सा मेकअप है, बहुत ही लाइट सा मेकअप है, तो इसलिए यहाँ पे मैं बीबी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह किसी और भी ब्रांड का बीबी क्रीम या सीसी क्रीम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ना बहुत ही नेचुरल वाली फिनिश आती है, चाहे आप फाउंडेशन मिक्स कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो अपने फेस के ऊपर, चाहे आप बीबी या सीसी कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, बहुत ही अच्छी वाली फिनिश आती है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसे बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करते, बस डैब डैब मोशन में अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करो और देखना कितने अच्छे से आपका फेस ब्लेंड हो जाएगा। आपकी ये फेस क्रीम जो है, आपकी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, सब कुछ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद अब टर्न आती है अपने फेस को सेट करने की, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ये लूज़ पाउडर का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ये प्रोसेस को स्किप भी ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने पाउडर को अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने आईब्रोज को फिल करने की। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये 2-in-1 वाला जो जेल आईलाइनर प्लस आईब्रो पाउडर जो होता है ये, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो पाउडर है ये बहुत ही अच्छा वाला पाउडर है, इसके साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। बाद में मैं इसी को काजल की तरह अप्लाई करूँगी अपनी आईज के नीचे। जब भी आप अपने आईब्रोज को फिल करते हैं तो उन्हें उसके बाद एक बार अच्छे से कॉम्ब ज़रूर कर लें। तो अब नेक्स्ट टर्न आती है आई शेडो अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं ये जो पिंक कलर का आई शेडो है जो मैंने आपको शो किया है, ये मेबलिन का आई शेडो पैलेट है, ब्लश न्यूड्स वाला, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको दूसरा आई शेडो भी अब दिखाऊंगी। मैं दूसरा कौन सा है, मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ शेड। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अपना मेकअप नेचुरल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही लाइट लाइट से आई शेडोज़ का यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा डार्क शेड में कोई भी अप्लाई नहीं करने वाली, बट मुझे एक थोड़ी सी ग्लिटरी लुक चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लिटर आई शेडो का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर आई शेडो है और इन सब का लिंक्स आपको, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। इसे मैं फिंगर की हेल्प से थोड़ा डैब डैब करके अपनी आईलिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हो मेरी आईलिड कितनी ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है इस साइड पे। यहाँ पे मेरा जो शेड है ये है रोज़ गोल्ड शेड। अब नेक्स्ट टर्न आती है काजल अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर वाला काजल ही यूज़ करूँगी, बट सॉरी मेरी वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी वो। अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को फिल करने की। तो वहाँ के लिए मैं जो शिमर हाइलाइटर ब्रिक आती है स्विस ब्यूटी की, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल वाइट कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरी ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है। और इसे अप्लाई करने से ना आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं और बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है मस्कारा अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं ये मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे ज़रूर मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट मस्कारा अप्लाई कर ही लिया है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं होती फॉल्सीज अप्लाई करने की, तो इसलिए मैं वो स्टेप प्रॉपरली स्किप करती हूँ। मैं कभी भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं करती बिकॉज वो हमेशा आर्टिफिशियल लुक ही देती हैं अपनी आपकी आईज़ को। और मैं यहाँ मस्कारा ही इतना डबल से ट्रिपल कोट अप्लाई कर लेती हूँ जिससे आपके आईलैशेस बहुत ही परफेक्ट लुक देती हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है ब्लशर अप्लाई करने की। और ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ये ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही नेचुरल से फिनिश देता है आपके फेस के ऊपर, बहुत ही लाइट सा शेड है एंड इसमें और भी काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट टर्न आती है अपने टी जोन एरिया को, अपनी चीक एरिया को हाईलाइट करने की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये स्विस ब्यूटी का ही ब्रिक हाईलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है लिपस्टिक अप्लाई करने की। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक का, जो कि ये मैं लैक्मे की यूज़ कर रही हूँ इस बार। एंड इसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ये जो लिपस्टिक है ये मैंने परचेज भी ऑनलाइन ही की थी। काफ़ी लोगों को होता है, वो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन कौन सी लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहा कीजिए, उसमें आपको मेरी हर लिपस्टिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। अब लास्ट में मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ।